Hey guys, welcome back my YouTube channel Technical Knowledge। तो guys, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे Vivo का Y21 फोन में थीम अप्लाई प्रॉब्लम guys सॉल्व कैसे करें। guys, अगर आपके भी फोन में थीम अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आज आपको बताएंगे उस प्रॉब्लम को guys कैसे सॉल्व करके अपने फोन में थीम को अप्लाई करके अपने फोन में थीम guys कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर आपके फोन में guys Android 11 या फिर Android 12 का अपडेट आ चुका है तो guys आपको यहाँ पे थीम को अप्लाई करने में guys अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को guys कैसे सॉल्व करके कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके अपने फोन में किसी भी थीम को गाइस फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अपने फोन में गाइस कैसे थीम गाइस बिल्कुल चेंज करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग को फॉलो करना और अपने फोन में किसी भी थीम को गाइस फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अपना थीम गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइस आप उस प्रॉब्लम को गाइस बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए सबसे पहले प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना है। यहाँ गाइस आपको सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना है Z Fold 3। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छी, इसको 4.1 की रेटिंग है, 11 MB का एप्लीकेशन है और इसको 1 करोड़ लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम देखिए इसको गाइस अपने फोन में डाउनलोडिंग पे लगा दिए और इसी अभी हम इसकी पूरी सेटिंग आपको बताएं कैसे सेटिंग करना और सेटिंग कैसे करेंगे अपने फोन में थीम को गाइस कैसे चेंज करेंगे फ्री में। आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है गाइस प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आप यहाँ से किसी भी थीम को गाइस चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहां एग्री पे गाइस आपको क्लिक कर देना है और यहां पे गेट पे गाइस आपको क्लिक करना और यहां पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करेंगे आपको कुछ यहां पे ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको कलरफुल फॉन्ट मिलेगा, इमोजी मिलेगा और नॉर्मली भी आपको फॉन्ट मिलेगा। ठीक है, आपको फॉन्ट अगर चेंज करना, फॉन्ट भी गाइस आप चेंज कर सकते हो, वीडियो है तो वीडियो भी देख सकते हो। यहां पर देखिए गाइस हम कोई फॉन्ट डाउनलोड करेंगे अपने फोन में, अभी तो हम देखिए इस एप्पल वाले फोन पे गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड मिलेगा, ऐड को गाइस यहाँ से बैक करना है। ठीक है, बैक करेंगे आपको डाउनलोड पे गाइस क्लिक करना है और अभी ये पेंडिंग में, और डाउनलोड जब होगा गाइस तो अप्लाई का ऑप्शन अभी आएगा। तो ये देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे गाइस क्लिक करना, हम यहाँ पे देखिए पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अप्लाई का ऑप्शन पे गाइस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हम देखिए अप्लाई के ऑप्शन पे गाइस क्लिक करते हैं, आपको स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मिलेगा यूज दिस फोल्डर, यहाँ पर गाइस क्लिक करना और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके करना है, ओके करेंगे और यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा और आपके फोन में 15.9 MB का यहाँ पे एक चीज दो जो कि डाउनलोड होगा तभी आप अपने फोन में थीम को गाइस चेंज कर पाएंगे आगे, नहीं तो गाइस थीम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसको वेट करना जब तक गाइस आपके फोन में ये डाउनलोड नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे फिर से आपको ऐड आएगा, ऐड को गाइस थोड़ा सा वॉच करके यहाँ से गाइस बैक कर देना है। बैक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना होगा, वाईफाई कनेक्शन देंगे गाइस तभी अपने फोन में थीम गाइस चेंज कर पाएंगे, नहीं तो थीम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वाईफाई कनेक्शन आपको देना है। यहाँ अगर स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना, आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ गाइस क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, आपको यूएसबी ड्रॉइंग पे गाइस यहाँ पे इसको अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे अगर ये भी ऑफ है तो आप इसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस नीचे वाले पे आपको लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करना, आपको यहाँ पे मिलेगा पेयर डिवाइस विथ QR कोड और यहाँ पे पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड। ठीक है, यहाँ गाइस पेयरिंग कोड पे आपको क्लिक करना, आपको यहाँ पे 6 अंक का कोड मिल जाएगा, आपको इस कोड को एंटर करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा 62 41 65। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं 62 41 65, यहाँ पे आपको एंटर एरो का निशान है, यहाँ पे एरो पे गाइस क्लिक करके और यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आएंगे फिर से बैक आना आपको और यहाँ आपको क्लिक करना ऊपर में, ऊपर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन, स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना और यहाँ पे देखिए अभी आपके फोन में ये गाइस जो कि फोन है फोन बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक फिर ओपन भी हो जाएगा आपका Z Fold। यहाँ से देखिए हम बैक आएंगे और अपने व्हाट्सएप को हम ओपन करते हैं, एक आपको लिंक दूंगा, लिंक गाइस आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ओपन किए, यहाँ पर गाइस देखिए इस लिंक पर गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन का ऑप्शन, ओपन पे गाइस क्लिक करके आपको अपडेट करना। ठीक है, इसको गाइस अपडेट करेंगे और अभी जब अपडेट हो जाएगा तो आपको डन का और ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको डन पे गाइस क्लिक करके फिर से वहां से बैक चले जाना पड़ेगा। तो हम देखिए डन पे गाइस क्लिक करते हैं, यहां से बैक आ गए फिर से और यहां पे देखिए प्ले स्टोर गाइस हम ओपन करेंगे, यहां पे सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना Vivo थीम। ठीक है, Vivo थीम गाइस सर्च करेंगे, आपको इसको गाइस ओपन कर लेना है, ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ अभी लोडिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे अभी गाइस थीम खुल के आएगा, आप यहाँ से किसी भी थीम को गाइस डाउनलोड करके अपने फोन में थीम गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हम देखिए इस थीम पर गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऐड मिलेगा छोटा सा देखने के लिए, ऐड को यहाँ पे गाइस क्लोज करना और यहाँ पे डाउनलोड चेंज थीम का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड पर गाइस क्लिक करना है। डाउनलोड पर गाइस क्लिक करेंगे आपको 11.59 MB का एक थीम मिल जाएगा। हम देखिए इस थीम को गाइस अपने फोन में डाउनलोड करते हैं और इसको चेंज कैसे करेंगे हमारे फोन में, जबकि एंड्रॉइड 12 का अपडेट है। ठीक है, हम देखिए इसको गाइस चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए ऐड को बैक करते हैं, यहाँ पे चेंज थीम और ओके का ऑप्शन आएगा, आपको चेंज थीम पर गाइस क्लिक करना है, यहाँ गाइस क्लिक करेंगे आपको अलाउ करना है, यहाँ पे मी का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल थीम का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको लोकल पे गाइस क्लिक करना और यहाँ पे देखिए ये थीम हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है, आपको इस थीम को गाइस अप्लाई कर देना है।
अप्लाई पर गाइस क्लिक करेंगे और आपके फोन में थीम गाइस यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गाइस अप्लाई पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे गाइस थीम हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। तो अगर आपको भी अपने फोन में कोई भी थीम अप्लाई करने में गाइस अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के जरिए इस सेटिंग के जरिए अपने फोन में किसी भी थीम को गाइस फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके अपने फोन में थीम को गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।